इसके सॉकर बदले थे ना, तो ये वाइब्रेशन अब क्या चांस हो सकते हैं इसके, जैसे चेक किया था लास्ट टाइम उन्होंने, सॉकर बता रहे थे वो चेंज कर दिए हैं। हाँ तो ये आ भी गए थे, 10-15 दिन लगे थे आने में, तो उन्होंने चेंज किए थे, आपने ही दिया था आइडिया, तो उन्हें दिया तो चेंज कर दिया, फिर भी ये वाइब्रेशन कर रही है, तो कुछ और क्या ऐसा होता है कि कभी अगर कपड़े जैसे कि कपड़े इकट्ठे डाल दिए एक साथ, हाँ तो अनबैलेंस हो जाता है, क्योंकि बड़े कपड़े के अंदर छोटा कपड़ा चला, इसमें वेट का होता है। अच्छा वेट का होता है, एक तरफ थोड़ा ज़्यादा, जैसे कि वेट में जैसे हम चलाते हैं कंप्लीट करके इसे भर के, तो जो 2-2.5 घंटे है टाइमिंग इसकी नॉर्मल जो हैवी सॉलिड में, तो उसमें चला देते हैं तो ये कम करती है, लेकिन बेसिक में जैसे कि ये घंटे में लगाया उसमें स्पीड ज़्यादा होती है। हाँ आपकी टोटल 1400 आरपीएम। अच्छा आरपीएम है इसकी 1400, प्रोग्राम में अलग अलग है, हाँ किसी में 1000 है, किसी में 1200 है, किसी में 800 है, 800 है, किसी में 400 भी। तो इसका क्या कम जो इसका आरपीएम है उसकी वजह से हो रहा है, आरपीएम अगर कपड़े अनबैलेंस होंगे और आरपीएम ज़्यादा होगी तो ड्रम बीट करेगा। अच्छा अच्छा ये जो इसका जहाँ पर हम लिक्विड यूज करते हैं, ठीक है सरफ की जगह डिटर्जेंट के, तो कभी क्या आता है कोई जो डिटर्जेंट यूज करते हैं उनकी जो अंदर है डिटर्जेंट जाना बंद हो जाता है, तो वो कमी क्या होती होगी, पाइपलाइन बंद हो जाती है, पाइपलाइन जो डिटर्जेंट कौन सी बॉक्स की बात करें, इस वाले में या इस वाले में, किसमें डालते हैं, जैसे कि डिटर्जेंट इसमें भी डालते हैं, इसमें भी थोड़ा सा, ये फ्री वाला हो गया, इसमें डिटर्जेंट नहीं डालता, कभी नहीं डालता, ठीक है ये हमेशा खाली रहेगा। हाँ ये इसमें डालते हैं अधिकतर हम, ये इंक का हो गया आपका, ये रिंस का हो गया, तो जैसे अभी इसी में यूज करते हैं, तो कई लोग डिटर्जेंट ही यूज करते हैं, तो उनका क्या है जो नीचे डिटर्जेंट पानी जब करता है ना वॉशिंग, तो उस समय डिटर्जेंट नहीं लेता है, रुक जाता है, रुक जाता है, पानी का प्रेशर कम होता है, पानी प्रेशर, तो जैसे कि प्रेशर आपका जैसे कि आगे तक आ रहा है पानी का, एक जो हाँ तो एक कस्टमर है, तो उनका क्या है ना जैसे कि यहाँ पर पानी भी प्रेशर भी सही था वो बोल रहे थे, और यहाँ पर डिटर्जेंट भी परफेक्ट था, लेकिन वो अंदर नहीं जा रहा था, अंदर नहीं जा रहा था। हाँ नहीं ऐसा नहीं, अगर पानी आएगा, कॉल भी आया था उनका, अगर पानी आएगा तो डिटर्जेंट उसके साथ जाएगा। अब ये हो सकता है कि मान लीजिए डिटर्जेंट डाल डाल के उन्होंने जमा रखा है, अच्छा यहाँ पे वैसे तो डिटर्जेंट से जम जाता है। हाँ एक प्रॉब्लम और थी कि कस्टमर की, जैसे कि डिटर्जेंट डाला उन्होंने पानी के साथ जब ड्रेन हो रहा है, तो डिटर्जेंट भी डायरेक्ट ड्रेन हो जा रहा है उसी के साथ बाहर, मतलब वॉशिंग के बाद ड्रेन हो रहा है या पहले ही हो जा रहा है। हाँ जैसे अगर वो ड्रेन कर रहे हैं, जैसे डिटर्जेंट उन्होंने डाल दिया, तो वो वॉशिंग के बाद जैसे रह जाता है, सेकेंड टाइम में भी लेता है, तो उसके साथ ही बाहर निकल जा रहा है, क्योंकि उन्हें जो ड्रेन वाटर निकल रहा है ना, उसमें जो डिटर्जेंट है वो भी साफ क्लियर दिख रहा है, इकट्ठा निकल आ रहा है। वॉशिंग में क्या होता है, वो तो साथ में ही, वॉशिंग के पहले तो डिटर्जेंट लेगी मशीन, उसके बाद जो वॉशिंग का टाइम होगा, हाँ उतने टाइम डिटर्जेंट धोएगी, हाँ ठीक है, तो उसके तुरंत बाद कट करके वो पानी फेंक देगी। हाँ लेकिन पानी जो फेंक रही है उसमें डिटर्जेंट बाहर नहीं आना चाहिए ना, तो वहीं साथ डिटर्जेंट बाहर आएगा, आएगा पहली बार में आएगा, जब वो प्रॉब्लम नहीं है, नहीं वो प्रॉब्लम, उसके बाद दो बार खांगने के लिए सादा पानी ले, सादा पानी, उसके बाद डिटर्जेंट नहीं है। कई की एक कंप्लेंट थी कि ड्रेन में जब हम देखते तो वहाँ पर डिटर्जेंट बाहर निकला होता है, डिटर्जेंट आप पहले देखे, हर मशीन में इंसान पहले धोता है, अच्छा अच्छा सर्फ से है, हाँ, किसी भी चीज़ से पहले धोता ही है, हाँ वो तो बाद पानी में निकालता है, ओके तो इसमें देखिए फीड होता है कि पहले धोएगी चाहे जितने मिनट भी धो, हर प्रोग्राम में अपना अपना टाइम होता है धोने का, अच्छा उसके बाद हर इसमें दो बार है, किसी में तीन बार, तो रेंज टाइम जो है वो अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं, ओके। अगर आप चाहते हैं कि जैसे कि डिटर्जेंट कभी गलती से ज़्यादा हो गया, हाँ आपको लग रहा है कि कपड़ों में अभी भी डिटर्जेंट है, हाँ तो आप रिंस ऐड कर सकते हैं, हाँ रिंस ऐड का ऑप्शन आता है, हाँ वो मैंने किया भी है उसमें, उससे कई बार क्लीन हो जाता है, कई बार होते हैं कपड़े धुलते हैं पैंटों में रह जाता है, हाँ बिल्कुल नहीं रहता है वो प्रॉब्लम है। ये इसका जो 3D लेंस है, ये अगर किसी भी वजह से अगर क्रैक हो जाता है क्या? तो ये भी चेंज हो जाता है लेंस जो इसका सामने का, हाँ ये फेस ही है, नहीं अंदर का जो लेंस है जो ग्लास इसका, ग्लास चेंज हो जाता है।
मेन चीज इसमें यही चीज होती है ना, ये वेट है, वेट है, ताकि जब मशीन चलती है ना। अच्छा अच्छा तो ड्रम इधर तो कितने के जी का होता होगा ये? अच्छा इसमें वेट दिया होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे डिटर्जेंट अगर ये ड्रे खराब होती है, पहली बात तो शायद होती नहीं होगी, होती है जैसे कि डिटर्जेंट बंद हो जाती है, ये पाइपलाइन जो दे रखती है साइड में, तो यही चेंज होती है खाली? ये वॉल्व होता है। अच्छा वॉल्व, वॉल्व है ना, ये पानी भेजता है, ये तो भेजता है। अब इसको जो डिटर्जेंट है वो नीचे साइड जाता होगा ना? हाँ, वो नीचे ड्रम में चला जाता है। जैसे वो बंद हो जाए किसी समय, यहाँ जो पाइप है, हाँ हाँ, इस पाइप के थ्रू ड्रम में चला जाता है। अच्छा अच्छा, अगर जैसे वो बंद हो जाएगा तो वो पाइप ही चेंज होता है उसमें? हाँ, वो ऐसे वैसे ब्लॉक होता नहीं है, काफ़ी बड़ा होल होता है, ब्लॉक होने का कोई चांस नहीं है। क्योंकि ये जो ब्लॉक होने के चांस उस पर आए, जैसे सर्फ एक्सेल का यूज करते हैं उसमें दिक्कत आ जाती है, लेकिन एरियल वाले में ये दिक्कत नहीं मिली कभी, उसमें एकदम नॉर्मली जाता है। इसका मदरबोर्ड वगैरह सिस्टम, अब इसमें एक मसल में क्या ना, जैसे हम जो दरवाज़ा लगाते हैं प्रॉपर लगाते हैं, लेकिन इसमें एक अलार्म आता है जैसे कि क्लोज डोर, ठीक है, जैसे नॉर्मली जैसे लगाते हैं हमेशा ही लगाते हैं, और कभी कभी इसमें क्लोज डोर को मतलब ओपन ही दिखाता है, क्लोज नहीं, लॉक नहीं हुआ। हाँ लॉक नहीं हुआ। कभी भी हर मशीन को, नई मशीन हो चाहे पुरानी मशीन, हाँ। कभी आप डोर लगाएं, हाँ। पहली बार में लगाने हाँ, तो डोर लगा दिया आपने, हाँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसका लॉक होता है, लॉक जो होती है यहाँ होती है, तो इसे हल्का सा प्रेस करके छोड़ प्रेस करना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं, तो वो एक बार में ही लॉक हो जाए। तो इसमें क्या है, जैसे ये पानी का जो पानी कनेक्शन है ना, तो इसमें क्या होता है, जैसे पानी कनेक्शन ऑन है और मशीन भी चालू है, और वो पानी ये तो दिखा रहा है कि जो वाटर है वो फिल कर रहा है, लेकिन वाटर अंदर नहीं आ रहा मशीन में, ये प्रॉब्लम आती है। एक कस्टमर को थी ये, उसी कौन है, बॉल्ब ख़राब था, बोले थे क्या हम अपने आप से सही कर सकते नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें एक फिल्टर जैसे लगा होता है, उन्होंने जब खोला था उसमें एक जाली टाइप से थी, तो वो चीज़ हाँ पीछे साइड में, हाँ देखिए अगर फिल्टर ब्लॉक होगा हाँ, तो क्या वो पानी नहीं, वही वाल्व होता है उसका। अच्छा अच्छा, वाल्व ये है, अच्छा फिल्टर होता है, अच्छा देखिए कभी ऐसा होता है कि टैंक में से भी कचरा आता है। अच्छा अच्छा, टंकी में, हाँ वो चीज़ तो नॉर्मल है, टैंक से कनेक्शन है तो आता है, अंदर ना आए कचरा, अच्छा इसलिए पीछे फिल्टर लगे होते हैं दो। अच्छा अच्छा, इसलिए ये हम जो वाल्व होता है उसे चेंज कर देते हैं, पीछे होता है वो पाइप खोल के फिल्टर आप निकाल के साफ कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, वो जाली टाइप का होता है। जैसे इसमें आप बता रहे हैं जब वाइब्रेशन करती है, तो वाइब्रेशन जैसे सिंगल बेड बेड की वजह से होता है, तो अब तो उस पहले से भी ध्यान दे रहे हैं, मतलब सिंगल सिंगल कपड़े डालते रह रहे हैं हम, तो उससे कभी कभार होता है, अंदर ही हो जाता है, मशीन के अंदर हो जाता है, मशीन के अंदर भी कपड़े उलझ जाते हैं। अच्छा अच्छा, अब मान लीजिए कपड़े आपने ज़्यादा डाल लिए, तो उसके लिए प्रोग्रामिंग दो ही स्टैंडर्ड हैं, जैसे हैवी पे चलाते हैं तब, हैवी पे एक्सप्रेस में, हाँ इनमें क्या होता है, एक्सप्रेस में पानी कम लेते हैं, पानी कम लेते हैं, कपड़े ज़्यादा डालते हैं, एक्सप्रेस तो भाई दो चार या दस कपड़े हों तभी कभी चला देते हैं, कम कपड़े गंदे कपड़े, कपड़े कम होते हैं, आजकल तो रेगुलर ही दिन में दो एक बार ही यूज होते हैं। कहने का मतलब ये है जैसे चार साल हो गए लगभग चलाते, साढ़े तीन साल, तो अभी तो दिक्कत नहीं आई, दिक्कत आ रही है, अब भाई समझ का लिख ही रहा है धीरे धीरे, इसलिए मतलब ये हमने भी कमी की आ रही थी, पुरानी हो रही है, जब आवाज़ आती होगी तब तो डक 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 की आवाज़ आती होगी, हाँ थोड़ी तेज वॉल्यूम जो है इसका तेज हो जाता है, और यहाँ पर हाँ ऐसे आवाज़ आती होगी, हाँ टकराई नहीं आती, साइड वहाँ रखी हुई तो यहाँ पर आ जाती है, कह सकते कभी कभी क्या ज़्यादा ही मूव कर जाती है एक साइड से जब ओवर, अभी ये फुल स्पिन पे है ना, 1000 RPM है इसका,
अभी तो मोबाइल नहीं दिखा रही है, अरे ये जब ये मूव होती है ना एकदम से साइड से जाती है बहुत ज़्यादा तेज। हाँ हाँ, जबकि जब से आपने बोला है तब से केयर करके डाल रहे हैं, सिंगल सिंगल कपड़े डाल रहे हैं तब से। हाँ आप खुद अपनी तरफ से भी डालेंगे? हाँ मशीन के अंदर भी हो जाता है क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज दोनों तरफ रोटेट करता है। ओके अगर दे दिए ऐसे तो आप क्या करना, पावर वहां से बंद करना, मेन पावर स्विच। ओके पावर स्विच कर देना, दो मिनट बाद डोर खुल जाएगा। ओके उसके बाद कपड़े जो होंगे उनको थोड़ा खोल देना, ठीक है, अगर कपड़ों को ढीला कर देना, ढीला कर देना, उसके बाद दोबारा डोर ओपन करके उससे क्लोज कर देना। हाँ स्टार्ट कर देना, देखिए अभी तो इस टाइम बिल्कुल नहीं दिखा रही, वही फर्क है। तो क्लीनर की जगह और भी इसके प्रोडक्ट आते हैं वो सब आपसे ही अवेलेबल होते हैं? आप जैसे कि अभी टाइम, हाँ सर्दियाँ वगैरह आ गई हैं तो जो स्वेटर वगैरह होते हैं उनके लिए सही होता है, वुलन्स के लिए अलग से। अधिकतर लिक्विड ही यूज करते हैं, लेकिन बीच में क्या था ना लिक्विड इस पर परफेक्टली काम नहीं कर रहा था, अब तो खैर रेगुलर यूज होते हैं तो डिटर्जेंट कम होता है, लिक्विड ही होता है। आई अभी मैटिक लिक्विड अवेलेबल हो जाता है क्योंकि जो आजकल की जो और भी लेटेस्ट मशीन है तो उनमें क्या है नीचे से ट्रे दे रखी है, उसमें सारे आप जो भी लगाने, हाँ ऑटोमेटिकली वहाँ से लेता रहता है। इसमें हाँ इनमें मैनुअल है कि आपको जितना यूज करना है उसी हिसाब से डालना है। ऐसे भी फर्क हो गया और भी मतलब चिकनावट से भी मतलब घिसे हुए नीचे से तो डिजली फिर मतलब भाई अभी तो भी बहुत दिल जाती है, कपड़े अनबैलेंस हो जाएंगे तो सर ऐसा ही होता होगा ना। अब बेड का कंफर्म हो गया, अब 1000 RPM एक मिनट में 1000 राउंड आ रही है। हाँ ये तो है, RPM के हिसाब से डिपेंड करता है। इसके अंदर गुस्सा बनाती नहीं बनाती। अब इन्होंने बताया जैसे कि अगर कभी वाइब्रेशन करे तो मशीन को वहीं पे रोक देना है, स्टॉप करके 2 मिनट वेट करेगी या मशीन को बंद कर दिया यहाँ से ही स्टार्ट या पुश पे बटन दबा के यहाँ पर जो बटन है यहाँ से आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ से नहीं करना है कुछ, डायरेक्ट ही पावर स्विच बंद करना है। स्विच ऑफ कर दिया तो मशीन ही बंद हो गई, मशीन बंद होने के बाद 2 मिनट बाद डोर खुल जाता है। अच्छा अच्छा, डोर खोल के कपड़ों को खोल लीजिए फिर आप देख लीजिए, कपड़ों को खोल के फिर दोबारा दोबारा से डाल तो जो वाइब्रेशन प्रॉब्लम है पूरी तरह से क्लोज हो जाएगी। कपड़े निकालते हैं, हाँ। आपका प्रोग्राम हो चुका है, कपड़े निकाल रहे हैं आप, डोर ओपन करके आपने कपड़े निकाल लिए, उसके बाद तुरंत ही हाँ ये फिल्टर होता है। अच्छा, और बास्केट इसे साफ कर दीजिए जरूर। ओके याद से, ठीक है। अच्छा, इसे क्लीन नहीं करेंगे तो ये इसे क्लीन करते रहना चाहिए वरना ये ब्लॉक हो जाएगा, फिर क्या कपड़ों की गंदगी इसी फिल्टर में आती है। अच्छा अच्छा, जैसे रबड़ गलने के भी चांस होते हैं, गल जाते हैं, रबड़ खराब हो जाती है, कट जाता है, हाँ पानी लीकेज हो जाता है। अच्छा, किसी भी सूखे कपड़े से क्लीन कर दीजिए।
नीचे करते रहेंगे, ऊपर करने की जरूरत नहीं। ओके। अच्छा जैसे ये जो आप क्लीनिंग पाउडर डालते हैं तो इसका जो ड्रम है उससे तो क्लीन हो ही जाता है, तो डिजिटल पाउडर से? डिजिटल पाउडर से। वो क्या होता है, देखिए ड्रम बाहर तो चमकता है हमारे सामने, पीछे क्या होता है डिटर्जेंट या गंदगी जो भी है वो सब अंदर जमता है। अच्छा अच्छा। उसे हटाने के लिए वो डिजिटल पाउडर यूज होता है। अच्छा। उससे क्या होता है, उससे बहुत बेनिफिट होता है डिजिटल पाउडर से। हाँ। सील। अच्छा जी ठीक है सर, अगर कोई बता दीजिएगा। ओके ओके, थैंक यू।